हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल फिजिक्स बाय आईटीएंस। आज से हम एक सीरीज स्टार्ट जिससे हम डेली डाला करेंगे अपने टेलीग्राम चैनल पर, उसको डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन रहेगा थोड़ा एडवांस लेवल का, जिसमें मल्टीपल करेक्ट आंसर हो सकते हैं, मतलब एक क्वेश्चन के चारों आंसर भी सही हो सकते हैं, तीन आंसर भी सही हो सकते हैं, कितने भी आंसर सही हो सकते हैं। तो इसे स्टार्ट करते हैं। अभी हम जो हमने पहला क्वेश्चन डाला है वो है कि आपको मास और एंगुलर मोमेंटम डायमेंशन लेस दे रखे हैं। लेट अस कंसीडर अ न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट्स विच मास एंड मोमेंटम आर डायमेंशन है कि जो लेंथ की डायमेंशन है वो कैपिटल एल है। तो एनर्जी डायमेंशन क्या होगी, फोर्स की डायमेंशन क्या होगी, पावर की डायमेंशन और लीनियर मोमेंटम की डायमेंशन आपसे कैलकुलेट करने को कहा गया है। अगर इसको सॉल्व करते हैं कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन के बारे में कह रहे हैं। एंगुलर मोमेंटम होता है एमवी। अब जैसे मान लीजिए अगर आप एनर्जी की डायमेंशन निकालना चाहते हैं तो एनर्जी की डायमेंशन होती है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, लेकिन नए सिस्टम में एम की डायमेंशन को हम इग्नोर कर रहे हैं और एल स्क्वायर टी माइनस टू में इसको हम सिंप्लीफाई करके ले सकते हैं एम एल स्क्वायर टी माइनस वन, और एम एल स्क्वायर टी माइनस वन एक एंगुलर मोमेंटम है। तो बेसिकली ये पूरा डायमेंशन लेस हो गया, तो ये टी माइनस वन के इक्विवेलेंट है। और टी को आप एल स्क्वायर मान रहे हो तो टी माइनस वन को एल टू एल माइनस टू मानोगे, तो एनर्जी की डायमेंशन L माइनस टू के इक्विवेलेंट होगी। सिमिलरली अगर आप फोर्स निकालना चाहते हैं तो फोर्स की डायमेंशन होती है एम एल टी माइनस टू, इसमें M को आप इग्नोर कर सकते हैं, L रहेगा एज इट इज। टाइम की डायमेंशन आपकी L स्क्वायर के इक्विवेलेंट है, तो टी माइनस टू टी एल माइनस फोर के इक्विवेलेंट होगा, तो बेसिकली फोर्स की डायमेंशन होगी L माइनस थ्री। सिमिलरली अगर आप पावर निकालना चाहते हैं तो पावर होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क, या फिर W बाई टी आप इसे कह सकते हैं। वर्क आपका एनर्जी के इक्विवेलेंट ही होता है, तो एनर्जी की डायमेंशन थी आपके पास L माइनस टू और टाइम की डायमेंशन T है, तो बेसिकली पावर की डायमेंशन हो जाएगी L माइनस टू टी माइनस वन। इस पर T को आप L स्क्वायर के इक्विवेलेंट मानोगे तो ये आप लिख सकते हो L माइनस फोर इसकी डायमेंशन होने वाली है। सिमिलरली लीनियर मोमेंटम की बात करते हैं, इसको हम स्मॉल P से रिप्रेजेंट करते हैं। तो लीनियर मोमेंटम की डायमेंशन होती है P इज इक्वल टू mv, तो इसमें m को आप इग्नोर कर सकते हैं, वेलोसिटी की डायमेंशन एल टी माइनस वन, फिर से P को आप L माइनस टू लिख सकते हैं, तो ये आपका हो जाएगा L माइनस वन। Basically, these are the dimensions of energy, L minus 2, force, L minus 3, power, L minus 4, linear momentum, L minus 1. कब, जब हमारा सिस्टम कुछ अलग हो। तो इन चारों ऑप्शंस में से C ऑप्शन गलत है, पावर की डायमेंशन L minus 5 ना होके L minus 4 है, बाकी तीनों ऑप्शंस A, B और D सही हैं, तो इसके तीन आंसर्स हैं A, B, D। तो अभी हम देखते हैं कि हमारे चैनल पे कितने लोगों ने इसका सही आंसर दिया है। तो सबसे पहले आकांशु खंडेलवाल हैं जिन्होंने इसको बिल्कुल करेक्टली सही किया है। नेक्स्ट हैं पीवी नाम से हैं, इनके भी सारे आंसर सही हैं और इनका पूरा अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है इन्होंने, तो ए बी डी इसका आंसर था। नेक्स्ट इसको सही किया है शानिका मित्रा, उन्होंने भी इसको सही आंसर दिया है, और लास्ट में इसको हेमंत, इन्होंने भी सही आंसर दिया है इसका। तो फ्रेंड्स, आज के इस क्वेश्चन की सीरीज में यही था। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। Thank you.